सर अभी आप ये यहाँ पे आए शशि गार्डन स्कूल में, यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन के काम करते, क्या ये आज जिन लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है उनको राशन बांटने का काम शुरू हुआ है। कुछ स्कूलों में कल शुरू हो गया था, आज से और ज़्यादा स्कूलों में शुरू हो गया है और एक दिन में और ये फुल स्विंग में आ जाएगा। 10 लाख लोगों को राशन देने का काम, इसमें 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बेस पर दिया जा रहा है। तो जिन लोगों ने कूपन के लिए राशन कूपन के लिए अप्लाई किया था, करीब इस वक्त हमारे पास में ऐसे 10 लाख से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन से, तो सबको हम लोग देंगे इसमें राशन। मैं ये देखना चाहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ चक्करों में तो सब खड़े हो जाएंगे लेकिन अंदर कोई ऐसा फोके फिर बीमारी एक दूसरे को ट्रांसमिशन होने लगे। तो अच्छा है, सब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हो सर। ये आप लोग किस तरह से हो रहा है, अच्छे से सब मेंटेन हो रहा है, क्या महसूस करना चाहिए आज अभी भी? और फिर कुछ ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज की कोशिश हमारी यही है कि दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को क्वारंटीन करके रखना या अपने घर तक अपने आप को कंटेन करके रखना ही कोरोना का समाधान है। लेकिन जब आप लॉकडाउन करते हैं तो लोगों को हार्डशिप होती है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मैंने बात की है, सब किसी कंपनी में या कोई छोटी मोटी काम करते थे, अपनी दुकान चलाते थे या कोई इस तरह का काम करते थे, वो अब लॉकडाउन में बंद है और उनके घर में काम कैसे चले? उन लोगों ने कभी राशन कार्ड भी नहीं बनवाया, आज उनको मदद के लिए सरकार आगे आई है, उनके घर में चूल्हा जलता रहे, इसके लिए व्यवस्था। सर अभी यहाँ पे कितना है आप लोगों का स्कूल में? इस स्कूल का डिटेल तो मेरे पास नहीं है। FSO इस स्कूल में सर अभी तक 78 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं अभी तक, लेकिन 78% फैमिलीज सर, फैमिली जो ऊपर उसमें नंबर ऑफ फैमिलीज, हाँ फैमिली सर नंबर ऑफ पर्सन तो ज़्यादा ही नंबर ऑफ ऑलमोस्ट इनटू फोर इनटू फोर ओके थैंक यू।